नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों आज 5 अगस्त दिन वीरवार, बात करते हैं मौसम्मी की। जानते हैं जो यहां मौसम्मी बेचने वाले अड़ती हैं, इनसे आज का क्या कुछ रेट चला। इनके पास काफ़ी मौसम्मी आती है, मौसम्मी के वैसे मंडी में बहुत दुकानें मिल जाएंगी। देखते हैं आज का क्या कुछ, इनके ऊपर नंबर वन की मौसम्मी आई जी इनके पास। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है जी, कई दिन बाद दर्शन हुए तो आपके। बस ऐसी हालात है। हाँ। तो क्या कुछ रेट चला भाई साहब आज का? आज का बाजार थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, अच्छे माल के वही 24-25-26 रुपए रेट है, 3 नंबर के। हाँ, और 2 नंबर का जी वैसे? 2 नंबर का रहेगा 28-30 रुपए। और ये जो 4 नंबर है? 4 नंबर रहेगा 17-18। और 1 नंबर भाई साहब, जो 1 नंबर कितना माल निकल रहा है, जो ये बम्पर क्लास का है? ये कम निकल रहा है गाड़ियों में, कम है, साइज कम है इनका, इससे 30 से 32। धन्यवाद भाई साहब रेट बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। दोस्तों दुकानें आपको मंडी में काफ़ी मिलेंगी, यहाँ पर एक से एक बड़ी से बड़ी दुकानें मिलेंगी, पर ये भी एक थोक की दुकान है। इनके पास देखो आज 1, 2, 3 एक महाराष्ट्र की और 2 इनके पास ये हैदराबाद की मौसम्मी की गाड़ियाँ लगी। इनका बहुत बड़ा होल सेल का अच्छा काम है, कोई इनके पास ऐसी बात नहीं है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आपको इनकी दुकान से कभी भी माल लेना हो तो फ़ोन कर सकते हैं, होलसेल में ख़रीद सकते हैं, या आप व्यापारी हो तो इनकी दुकान पे बेफिक्र होकर आप माल लगा सकते हो, या आपका माल बेचने के लिए तैयार हैं। दोस्तों अब बात करते हैं तरबूज की और सरदे की। ये तरबूज की और सरदे के स्पेशल होलसेल के बहुत बड़े आड़ती हैं यहाँ पर, इनके पास कई गाड़ियाँ तरबूज की और सरदे की आती हैं। नमस्कार सर जी। सर जी आज का तरबूज का कैसा बाजार है जी? बाजार आज 3200 बाजार है, बहुत बढ़िया तरबूज है, देखने वाली देख चीज़ है। 10 किलो डब्बा देंगे, वजन देंगे 10 किलो का, शरदा ले लो 320 से लेके तो 350 रुपये का, उसका 7 किलो शरदे का वजन है, इसका वजन है 10 किलो का, रेट है 3200 किलो। हाँ जी, कटिंग है बहुत सुपर, ये कटिंग देखने जा रहे हो तो कटिंग ये देख लो, आपको फोटो डाल रहे हैं। ये आंध्रा का माल है, महाराष्ट्र आंध्रा का बहुत बढ़िया माल है ये। हाँ जी हाँ जी, शरदा चाहिए शरदा ले लो, तरबूज चाहिए तरबूज ले लो, और बहुत बढ़िया से बढ़िया है। मेरा किशन लाल एंड सन्स B835। हाँ जी दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है। इनकी दुकान पे आपको 12 महीने सरदा और तरबूज देखने को मिलेगा, स्पेशल होलसेल के बहुत बड़े आड़तियाँ हैं यहाँ के। दोस्तों बात करते हैं अब सेब की, जो आपको मैं एक सेब की बहुत बड़ी होलसेल की मंडी में जाया यहाँ पर, जो ये होलसेल के आड़तियाँ हैं यहाँ पर। इनके पास काफ़ी तरह का सेब आता है, इनके पास ये विदेशी सेब भी आता है और भारतीय सेब भी आता है, जैसे कुल्लू मनाली का, शिमले का, और ये किन्नौर का सेब भी आता है। इनके पास हर किस्म के आपको यहाँ पर सेब देखने को मिलेंगे, ये स्पेशल सेब के बहुत बड़े होलसेल के आड़तियाँ हैं। जानते हैं आज का इनका यहाँ पर क्या कुछ बाजार रहा। सर जी नमस्कार जी। सर जी अपनी दुकान का अपना नाम बताइए और अपनी दुकान का एड्रेस। RC 24 2nd फ्लोर। सर जी अपने पास कहाँ कहाँ का माल आता है? हमारे पास न्यूजीलैंड का आता है, वॉशिंगटन का आता है, शिमले का आता है, कुल्लू का आता है। आज अपनी दुकान पे कहाँ का माल है? न्यूजीलैंड का माल है। कौन कौन सा जी, ये कौन सा माल है? न्यूजीलैंड में एक गाला आता है, एक क्वीन आता है और एक फ्यूजी आता है। ये न्यूजीलैंड का गाला है जो सबसे बेस्ट होता है। 1800 रुपये डब्बा। और वजन कितना सर जी? 11 किलो। और सर जी ये 2 नंबर क्वालिटी, ये 1 नंबर है, 2 नंबर वो है। ये क्या इसमें दाना होता है? 50 दाना, 60 दाना, 70 दाना। अच्छा, इसका क्या रेट है जी, आज कितना वजन? इसमें 1500 रुपये 50 दाने का। और वजन जी? 10 किलो। सर जी इसका भी? इसका भी 1500 रुपये 70 दाना है, 10 किलो वजन है। और सर जी इससे अलग और क्या रेट है? इससे ये कहाँ का है जी? ये भी न्यूजीलैंड का है गाला, इसके 1400 रुपये। और ये सर जी? ये 1300 रुपये 70 दाना। और ये सर जी ये तो अपना भारत का सेब? ये भारत का सेब है, शिमले का। अच्छा जी, किन्नौर चल गया जी अब? ये किन्नौर चल गया जी, किन्नौर किन्नौर के डब्बे हैं 10 किलो के, ये 1500 रुपये के। अच्छा जी, इसमें जो हल्की वैरायटी आ रही है वो 1200-1300 रुपये। सर जी ये वैरायटी क्या है जी अपने पास, ये वाली?
ये बक्से हैं, बक्से ये इसमें छोटा दाना होता है, इसमें 26 किलो सेब है और इसमें 2400 रुपए का। हाँ सर जी, इसके अलग और अपनी दुकान पे क्या क्या सामान आता है? अपनी दुकान पे शिमला, न्यूजीलैंड और वॉशिंगटन। सेब से अलग और कोई वैरायटी? नहीं नहीं, सेब ही का काम करते हैं, 12 महीने हमारा सेब का काम है। धन्यवाद सर जी रेट बताने के लिए। दोस्तों यदि आपको इनकी दुकान पे यहाँ पर आकर माल लेना हो, किसी भी किस्म का सेब लेना हो, सर जी आप बोल रहे थे कि आपकी दुकान पे ये कुल्लू का भी माल आता है, ये कितने दिन में शुरू होगा? कुल्लू की आदत है, अभी 10 दिन बाद हमारा कुल्लू का सेब चालू हो जाएगा। हाँ जी सर जी, दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ये स्पेशल सेब के होलसेल के बहुत बड़े आड़ती हैं, इनके पास देसी भी और विदेशी भी काफ़ी सेब आता है। यदि आपको इनकी दुकान पर लेना हो तो यहाँ पर आकर ले सकते हो या फ़ोन पे बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इनके पास एक दो डब्बे के लिए, पाँच दस डब्बे के लिए कॉल ना किए करें। ये स्पेशल बहुत बड़े होलसेल के 20 से 50 डब्बे मिनिमम ये देंगे, इससे कम इनके पास कॉल ना करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर जी रेट बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों अब बात करते हैं ईरान वाले सेब की। जो ईरान वाला सेब यो क्रेटों में, कंटेनरों में आता है, एसी कंटेनरों में, जानते हैं आज का इसका क्या कुछ रेट चला। ये एसी कंटेनर होते हैं, छोटी छोटी क्रेटे होते हैं, इनके पास काफ़ी माल आता है। सर जी नमस्कार जी, सर जी अपने पास आज क्या क्या सामान आया जी? आज हमारे पास अंगूर आया थे, इसका 4 किलो है वजन, 300 रुपये बेचती है। और एप्पल है, ये 11 किलो वजन है इसका, 750 है आज का। ये खरबूजे है, इसका 13 किलो 500 रुपये है, अफगानी का है। इसको क्या बोलते हैं इस खरबूजे को? इसका हम लोग गर्मक बोलती है, गर्मक गर्मक बोलती है, अफगानिस्तान का है। और ये अपना ऑरेंज है, माल्टा है, ये इजिप्ट का है, इसका 800 रुपये है, इसका 18 किलो 800 रुपये आज की तारीख में। आपके पास सिर्फ 4 आइटम है? सॉरी, ये सिर्फ 4 आइटम है? आज 4 आइटम है, 4 मार्केट में, 4 आइटम है होलसेल मार्केट में। अगर किसी को सिंगल भी चाहिए, बोते वो का ये पीस भी चाहिए, वो मिल जाएगा उसका। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस बोल दीजिए। अपना दुकान है C21 है, सी मार्केट में है, ग्राउंड फ्लोर में है, कभी आप आ सकती है, आप उधर सब मिल जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर जी रेट बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बात करते हैं VNR अमरूद की। VNR अमरूद का आज का भाव है मंडी का 40 रुपये किलो और 50 रुपये किलो। जो ऐसा जो दिखाया ये आपको 50 रुपये किलो अमरूद मिलेगा, और इसी में जो थोड़ा सा आपको जिसमें थोड़ा सा रगड़ लग जाती है वो मिलेगा आपको 40 रुपये किलो। दोस्तों बात करते हैं पपीते की। जो अमीना पपीता है वो कल आड़ती गए, सारा का सारा बिक रहा था, आड़ती ने नहीं बेचा। इन्होंने इसलिए नहीं बेचा कि ये ताकि सबको पता चले कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों आज का इसका रेट है 50 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का जो अंदर से होता है, इसकी ज़्यादा बड़ी गिरी होती है, इसमें अंदर जो कोर होती है वो बहुत छोटी कोर होती है, यानी ये अंदर से भारी होता है, देखने में छोटा होने के कारण भी काफ़ी वजन होता है, और बहुत मीठा पपीता बिना मसाले का होता है, इसको बिना मसाले के पेड़ पर ही पकाया जाता है। इसका रेट है आज का 50 रुपये किलो। दोस्तों ये इनकी दुकान का नंबर है, जिनके पास VNR पपीता और VNR अमरूद आता है, ये स्पेशल VNR अमरूद के बेचने वाले आड़ती हैं। और अब इनके पास VNR पपीता भी आता है, जिसको अमीना पपीता भी बोलते हैं। दोस्तों बात करते हैं अनार की। आज 5 अगस्त के दिन, जानते हैं आज का अनार का क्या रेट है। जो JRD कंपनी मैंने आपको पहले भी दिखाया, सामने बोर्ड पर विक्की भाई जानते हैं इनसे आपके पास, वो खुली ऑप्शन में जो बोली करते हैं क्या कुछ रेट चला। सर जी नमस्कार जी, सर जी अपने पास कहाँ का माल आया और क्या कुछ रेट चल में चला जी आज? नासिक का माल आया हुआ है अपने पास, कल जो थी मंडी में 11 गाड़ी थी और रेट अच्छा था मार्केट में, आज 26 से 28 गाड़ी के बीच में गाड़ी है, तो आज
आज रेट जो है हल्के मालों में 50 रुपये कम है और बढ़िया मालों में 100 रुपये कम है। कल जो माल 1100 बिके थे आज वो 1000 है, जो 1000 बिके थे वो 900 हैं। बढ़िया मालों में 100 रुपये और छोटे मालों में 50 रुपये 60 रुपये का फ़र्क है आज के। सर ये डब्बे कितने किलो का आता है यहाँ पर आपकी दुकान पे जो नासिक? मेरे पास दो तरह की वैरायटी आती है, एक 11 किलो वाली जिसमें 10 किलो माल होता है, ठीक है, और एक आती है 10 किलो जिसमें 9 किलो माल निकलता ही है। हाँ जी, दो वैरायटियों के माल आते हैं। सर जी मिनिमम क्या रहा आपकी दुकान पे जो ऐसे माल हैं ये इनका क्या रेट रहा? कम से कम जूस वाले माल भाजी 200 रुपये से एकदम छिर्री माल जो है, छोटे माल 200 रुपये से हैं नीचे और ऊपर 600 रुपये तक बिके। हाँ जी धन्यवाद सर जी आज का रेट बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो सर माल, देखो अंदर से देखना सर, बिल्कुल एकदम रेड निकलेगा। ये देखिए सर, और सर हम अनार काटने का तरीका भी बताएंगे आपको। वाकई क्वालिटी है सर जी ये तो। सर जी ये कहाँ का माल है? और वैसे ये महाराष्ट्र का माल है सर, महाराष्ट्र के अंदर भी कई बहुत सारे एरियाज हैं, 300 किलोमीटर की बेल्ट होती है। सबसे अच्छा जो महाराष्ट्र में है, जो सबसे अच्छी बेल्ट है वो कौन सी होती है? वो सबसे अच्छी बेल्ट होती है नासिक संगमनेर, ये वहाँ का माल है। तो मिनिमम आपके पास क्या रेट चला दिया? हमारे पास मिनिमम माल होते हैं 200-250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के। वजन कितना होता है जी आपके डब्बे? उसके अंदर होता है 9.5 किलो माल होता है, कहने को 10 किलो होता है लेकिन माल 9.5 किलो निकलता है हमारे पास। सर जी यदि कोई व्यापारी आपके पास माल लगाना चाहे या कोई किसान यहाँ पर से आपको लेना चाहे आपकी दुकान से, तो आपका दुकान का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर? हमारी दुकान का एड्रेस है चुनी लाल एंड कंपनी, शॉप नंबर 6499, न्यू सब्जी मंडी, आज़ादपुर दिल्ली। धन्यवाद सर जी रेट बताने के लिए। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ये स्पेशल अनार के बेचने वाले आढ़तिया, इनके पास काफ़ी माल आता है। दोस्तों बात करते हैं पाइनएप्पल की, अनानास की, जो रानी पाइनएप्पल है आज इसका रेट है दोस्तों 40 रुपये किलो, और जो इसी में थोड़ा छोटे साइज के कच्चे उसमें ले हुए इसका रेट है 38 रुपये 40 रुपये किलो पाइनएप्पल रानी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका अपना दोस्त वीरेंद्र सिंह राणा।